क्या आपका फेसबुक अकाउंट में जो नेम है आप उसे स्टाइलिश बनाना चाहते हैं? अगर आप अपने फेसबुक नेम को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम अपने फोन की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपने फेसबुक को। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखला देना चाहता हूँ कि फेसबुक का स्टाइलिश नेम कैसा होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट में हूँ और यहाँ पे ये मेरा फेसबुक स्टाइलिश नेम है। दोस्तों अगर आप इसे करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आप इसे सीधे कट कर दीजिएगा और आपको अपने फोन में अपने ब्राउजर को ओपन करना होगा। आपके फोन में जो भी ब्राउजर हो, क्रोम ब्राउजर या फिर मोज़िला, आप उसे ओपन कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ। अब क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको इस सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा स्टाइलिश फॉन्ट। यहाँ पे आप स्टाइलिश फॉन्ट टाइप करके सर्च कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी लिंक मिल जाते हैं, यहाँ पे आप किसी भी लिंक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टाइलिश टेक्स्ट जनरेटर को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट, तो इसे ही हम ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो फेसबुक का नेम है, आप अपना फेसबुक का नेम यहाँ पे आप डालिएगा। यहाँ पे मैं अपना फेसबुक का नेम डाल दे रहा हूँ। फेसबुक नेम दोस्तों डाल देते हैं जैसे ही, और यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे ये आपका नेम स्टाइलिश में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे काफ़ी आपको तरह तरह के स्टाइलिश नेम मिल जाएंगे। यहाँ पे आप किसी भी नेम को सिलेक्ट करके आप उसे अपने फेसबुक में लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये स्टाइलिश नेम है, मैं इसे अपने फेसबुक में लगाना चाहता हूँ। तो फेसबुक में लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने फिंगर से यहाँ पे इस नेम पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा और लॉन्ग प्रेस कर देने के बाद आप इसे पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी कर लेने के बाद आपको इस क्रोम ब्राउजर में ही यहाँ पे क्लिक करके और फेसबुक को ओपन करना होगा। ध्यान रहे आप ये काम फेसबुक ऐप में नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने ब्राउजर में ही कीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में फेसबुक को ओपन कर रहा हूँ। आप अपने क्रोम ब्राउजर में फेसबुक आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइएगा, सबसे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा पर्सनल इन्फो। तो यहाँ पे ये आपका नेम है, सिंपल नेम है। यहाँ पे आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं अपने नेम को, अगर आप इसे सिर्फ स्टाइलिश करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस नेम को यहाँ से कट कर दीजिएगा। और इसके बाद जो आपका स्टाइलिश नेम है यहाँ पे आप अपने फिंगर से लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका नेम पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये जो कुमार लिखा हुआ है आप इसे भी यहाँ से कट करके आप यहाँ पे अपने स्टाइलिश नेम को पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा कि फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये मैं नेम को कट कर दे रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे पीछे वाला ये जो है कुमार, इसे मैं कट कर दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको क्लिक करना होगा रिव्यू चेंज पे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा रिव्यू चेंज। अब दोस्तों यहाँ पे सजेशन में दो नेम आ जाता है, सोनू कुमार और कुमार सोनू। अगर आप कुमार सोनू पे टिक करते हैं तो आपका नेम कुमार सोनू दिखलाएगा। मैं यहाँ पे इसे डिफॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सेव चेंज पे। अब यहाँ पे आपका जो नेम है चेंज होके स्टाइलिश नेम हो जाता है। यहाँ से इसे हम सीधे कट करते हैं और ओपन करते हैं अपने फेसबुक ऐप को, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये मेरा नेम स्टाइलिश हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं स्टाइलिश फॉन्ट सर्च करके यहाँ पे लगाया हूँ, वहाँ पे दिखाए गए सभी फॉन्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि बारी बारी से चेक कर लेना होगा कौन सा फॉन्ट फेसबुक एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ये मेरा फॉन्ट फेसबुक एक्सेप्ट कर रहा है, इसे मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ।